स्वागत है आपको मेरे चैनल पर। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं अलैपी बीच पर हूँ। आज का मेरा जो प्लान है वो है फुल डे हाउस बोट ट्रिप करने का। उसके साथ साथ मैं यहाँ भी लाइट हाउस विजिट करूँगा और इंटरनेशनल कोर्ट म्यूजियम भी विजिट करूँगा। सुबह सुबह बीच का नज़ारा थोड़ी अलग है, अर्ली मॉर्निंग में और बेटर होती हैं। यहाँ पर शायद फ़ोटोशूट चल रहे हैं। धूप बहुत तेज़ हो चुकी है। मैं बीच से निकल रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ लाइट हाउस, जो नज़दीकी होगा यहाँ से बहुत। ये यहाँ का लाइट हाउस है। लाइट हाउस के एरिया में ही, जहाँ पर शिप से रिलेटेड चीज़ें रखी हुई हैं।
ये अलग ही कलाकृतियाँ हैं यहाँ की। देख सकते हो कितने सारे हाउस बोट्स हैं एक साथ, ये सारे शेयरिंग वाली हाउस बोट हैं। और शिकारा या फिर जो छोटी बोट्स होती हैं वो आपको कुछ दूर पहले ही मिल जाएंगे। ये हमारी बोट है जिस पर आज मैं सारा दिन कटाने वाला हूँ। इसके ऊपर भी एक सिटिंग एरिया है जो मैं दिखाता हूँ। हमारी बोट अब निकल रही है, मैं थोड़ी फ्रूट्स खाता हूँ, अभी ब्रेकफास्ट मैंने किया नहीं अभी तक। यहाँ पर हाउस बोट का समुद्र लगा हुआ है, कई सारे हाउस बोट हैं। जितने रूम का चाहोगे आप उतने रूम का मिल जाएंगे, 2, 4, 6। ये हमारी पाइनएप्पल बहुत ही अच्छे डिजाइन में कट की आ गई हैं। ये कई रूम वाली एक हाउस बोट है। बहुत ही खूबसूरत सा आइलैंड दिख रहा है, एक घर है बीच में और चारों तरफ पानी ही पानी। मेरे सामने भी 2 बोट चल रही हैं, जो पहले चल रही हैं वो शेयरिंग वाली बोट है, क्राउड हैं उसमें बड़े ऊपर में देख सकते हो, और उसके पीछे जो है वो सिंगल हाउस बोट है, आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। $1,900
ये हमारी बोट है जिस पर हम घूम रहे हैं अभी इस बैक वाटर्स में। हमने दो प्रॉन जो खरीदे हैं वो अभी यहाँ क्लीन हुआ है, ये बनने को है। टाइगर प्रॉन, ये इनका किचन है जहाँ हमारे लिए लंच बन रही है अभी। अभी किनारे पर जा रहे हैं जो साइड में बोट रुकी हुई है उस तरफ ही लंच के लिए, वहाँ कुछ पल रुकेंगे बोट। हमारी लंच रेडी हो गई है, ये पापड़, राइस, फिश फ्राई, ये चिकन सलाद, सांभर और सब्जी। और बाहर का जो इन्वायरमेंट है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। लंच के बाद हम फिर आगे बढ़ चुके हैं, बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है। ये थोड़ी छोटी कनाल है, जैसा कि वो लेक में हम लोग थे तो काफ़ी ओपन स्पेस था। बेटर लग रहा देखने में, वो जो साइड से जा रही है वो सिकारा है, आप उसे भी बुक कर सकते हैं, उसकी कॉस्ट कम होती है। हम अंदर के कनाल से बाहर निकल के वापस उस लेक, बड़ी लेक पर आ गए हैं।
अपने हाथ में कंट्रोल है पूरा, तो पर मर्जी से अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता। करीब 4-5 घंटे होना क्या है हमारे इस बैक पटर्स में, और आधे घंटे रहेंगे उसके बाद हम वापस जाएंगे। शाम हो चुकी है, सूरज भी ढलने को है, शाम का नज़ारा काफ़ी अलग है सुबह के नज़ारा से। हमने कार पार्किंग देखा है, ये बोट पार्किंग की जगह मुझे लग रही है। कनाल के दूसरी तरफ राइस फील्ड है, जिसकी हाइट यहाँ इस कनाल के वाटर से बहुत नीचे है। बीच वाले कनाल्स में जिसमें हम लोग चल रहे हैं उसमें पानी की जो हाइट है और जो दूसरी तरफ जो बॉर्डर की उस तरफ है वो कम है, अच्छी खासी डिफरेंस है पानी की। ये बॉर्डर है जो इन्हें बचाए हुए हैं। एलएपी में कनाल का ही मज़ा है कि आप यहाँ का जो रेगुलर लाइफ है या गाँव के आप बोट से ही देख सकते हो। यहाँ पर वो जो सरकारी बसें वाटर बसें चलती हैं वो यहाँ रुकती हैं। एलएपी में और कोई ऑप्शन नहीं है अदर देन बोट्स के। यहाँ के कुछ गांव पानी के बिल्कुल ही अंदर में है। यहाँ से जो छोटी वाली बोट होती हैं या फिर जो शिकारा होते हैं वो यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं। हम वापस आ गए हैं, अब त्रिवेंद्रम के लिए निकलूँगा मैं। धूप ढलने को है पूरी तरह से। अगर आप एलएपी आते हो और इसको नहीं करते तो फिर आप केरला का एक सबसे अहम पार्ट मिस कर जाओगे। हाउस बोट का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, ये 6 आवर का था जिसके लिए मैं 6000 पे मैंने 6000 रुपये पे किया था 2% के लिए इंक्लूडिंग फूड। ये एलएपी या आप ये अलोकपुर जहाँ भी बोल सकते हो रेलवे स्टेशन है। मुझे यहाँ तक आने में 15 मिनट अराउंड लगे हैं, बीच में कुछ ट्रैफिक भी था। और ये यहाँ के टैक्सी स्टैंड और ऑटो स्टैंड भी बोल सकते हो। यहाँ पर प्राइसेस भी लिखी हुई हैं, अगर आप यहाँ से टैक्सी लेना चाहो तो यहाँ पर प्राइस भी लिखी हुई हैं, फिक्स प्राइस है, आप इसको पॉज करके भी देख सकते हो। यहाँ से त्रिवेंद्रम के लिए मैंने शताब्दी का टिकट लिया है स्टडे तत्काल से, उसकी टाइमिंग 6:20 है, ट्रेन टाइम पर ही है। ये रेलवे स्टेशन है एलएपी का।